जी, तो टॉपिक जो हमने आज डिस्कस किया था वो फॉर लूप था, और फॉर लूप में मैंने आपको क्या बताया था कि आप जो है वो गो टू की स्टेटमेंट में जिस तरह आपने गो टू की स्टेटमेंट को यूज करते हुए एक लूप डिजाइन किया था, इसी तरह फॉर लूप को भी यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, लूप डिजाइन कर सकते हैं। गो टू स्टेटमेंट भी अ टाइप ऑफ लूप ही होता है, लेकिन हम उसे लूप नहीं कहते, बेसिकली वो जंप स्टेटमेंट होती है। गो टू की वजह से आप जो है वो क्या कर सकते हैं, एक लूप बना सकते हैं, ये बताया था आपको, लेकिन बेसिकली गो टू एक लूप नहीं है, वो एक जंप स्टेटमेंट है। ठीक है, जो लूप्स में जो फर्स्ट लूप है वो फॉर लूप है, मैंने सेंटेंस जो है वो लिख दिया है। जो फर्स्ट पोर्शन होता है फॉर लूप का, क्लास में हमने एक चीज़ डिस्कस नहीं की, और वो ये थी कि ये जो फर्स्ट पोर्शन होता है या फिर जो सेकंड पोर्शन होता है या फिर ये जो थर्ड पोर्शन होता है, इन तीनों पोर्शंस को आप, ये ऑप्शनल होते हैं, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। क्या बता रहा हूँ, ये क्या होते हैं, ऑप्शनल भी होते हैं। अगर आप इसमें से कोई एक पोर्शन जो है वो स्किप करना चाहें या तीनों पोर्शन भी स्किप करना चाहें, आप कर सकते हैं। स्किप करने का मतलब ये है कि मैं अगर ये इनिशियलाइजेशन पोर्शन अगर नहीं लिखता फॉर लूप में, जैसे मैं ये इनिशियलाइजेशन पोर्शन को यहाँ से हटा देता हूँ अगर, तो तभी मेरा लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, तभी लूप क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि ये इनिशियलाइजेशन पोर्शन होगा, इसी तरह से कंडीशन पोर्शन होगा, और ये पोर्शन हमारा क्या होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का पोर्शन होगा। आपको ये बताया था कि जब लूप एग्जीक्यूशन अपनी स्टार्ट करेगा तो पहले ये वाला पोर्शन चलता है, उसके बाद कंडीशन चलती है। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप अपनी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लूप क्या करेगा, बॉडी में जाएगा, बॉडी से जंप करके वापस कहाँ आता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पोर्शन में। और अगर ये पोर्शन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद फौरन वो कहाँ जाएगा, वापस कंडीशन में, अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टॉप करेगा, और अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से बॉडी को एग्जीक्यूट करता रहे। सही है, समझिए बात। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम, क्लास में क्या एग्जांपल की थी हमने, टेबल पेंट किया था। यस सर, सॉरी जी, तो बताएगा क्या कोड लिखा था हमने टेबल का। एक सिंपल एग्जांपल जो हमने पहले की थी वो जरा देख लें, तो ये मैंने एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल लिखी है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि जो इनिशियलाइजेशन पोर्शन में है उसमें एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, आई है। आप लोग लैब में जो प्रैक्टिस करनी है, आपकी सेकंड लैब है, उसमें भी कर लीजिएगा, जरा समझ लें अभी क्या कह रहा हूँ मैं। तो इस पोर्शन में हम कह रहे हैं कि एक वेरिएबल है आई, उसकी वैल्यू क्या है, 10 है। कंट्रोल जो है वो यहाँ पहुँचेगा और चेक करेगा कि क्या वैल्यू ऑफ आई जो है वो लेस देन 10 है, सॉरी लेस देन 15 है, ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी तो लूप ने क्या करना है, ब्रेक कर जाना है, और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। बॉडी चूँकि अभी एग्जीक्यूट होगी बिकॉज आई की वैल्यू क्या है, 10 इज़ लेस देन 15,
सो डिस्प्ले में क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ आई इज 10। कंट्रोल यहाँ से जंप करके वापस कहाँ जाएगा, आई। तो ये जो बिहेवियर है, मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा के आपको वेरीफाई करता हूँ। मैं जी मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, बेसिकली इसकी जो आउटपुट आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, 10 से लेके 14 तक, 10 से लेके 14 तक। तो मैं डीबग मोड में इसे चला रहा हूँ, जरा देखिएगा कि कंट्रोल जो है वो जंप कैसे करेगा। जी मैंने यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा दिए, मैं इसको एक स्टेप एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ब्रेक पॉइंट के बारे में बताया था आप लोगों को ना, आप अपने प्रोग्राम को डीबग मोड में चला सकते हैं। डीबग मोड का मतलब ये है कि अब आप जो है वो सीक्वेंस में प्रोग्राम को अपनी मर्जी से लाइन बाय लाइन जो है वो क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और उसका तरीका ये होता है कि आप जिस लाइन पे कंट्रोल को स्टॉप करना चाह रहे हैं उससे ऑनवर्ड आप डीबग मोड रन करना चाह रहे हैं, वहाँ पे आपकी लेफ्ट ये जो पैनल है यहाँ पे, यहाँ जब आप क्लिक करेंगे वंस, तो ये इसे हम कहते हैं डीबग मोड या ब्रेक पॉइंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि कंट्रोल आप जैसे प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन में आएगा तो इस लाइन पे आके वो स्टॉप हो जाएगा, इस लाइन पे आके वो क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। अब आप वन बाय वन एक एक स्टेप जो है वो अपनी मर्जी से परफॉर्म कर सकते हैं। उसका तरीका ये होता है कि ये F10 जो की है या फिर ये जो बटन है टॉप पे जो आपको नजर आ रहा है, इसको अगर मैं वंस प्रेस करता हूँ, बाउंड चीजें बता रहा हूँ समझ लें, इसको मैं अगर वंस प्रेस करता हूँ तो आप देखिएगा कि कंट्रोल जो है ये आई की वैल्यू को उसने क्या किया, 10 असाइन किया, आई की वैल्यू उसने क्या असाइन की, 10। और वहाँ से वो कंट्रोल ने कंडीशन चेक की कि 10 जो है चूँकि लेस देन 15 है तो कंडीशन ट्रू पे वो कहाँ आ गया, बॉडी में आ गया। बॉडी में अभी तक आउटपुट स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं एक स्टेप इसे मजीद चलाऊंगा तो मेरी आउटपुट स्क्रीन पे क्या है, एक वैल्यू जा चुकी है, वैल्यू ऑफ आई इज 10। इसका मतलब मैं आप इसको सीक्वेंस में चला रहा हूँ। तो डीबग मोड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप एरर फाइंडिंग में जो है वो आपको बड़ा हेल्प करता है, आपको ये पता चल जाता है कि बेसिकली ड्यूरिंग डिबगिंग वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या हैं और कहाँ पे जो है वो किसी वेरिएबल की वैल्यू में कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। सो मैंने क्या बताया था कि जब कंडीशन बॉडी ख़त्म होती है तो कंट्रोल वापस कहाँ आता है, इस पोर्शन पे, और इंक्रीमेंट करता है। अभी आई की वैल्यू उसने इंक्रीमेंट नहीं की, मैं स्टेप ओवर करूँगा जब, तो आई की वैल्यू उसने क्या की, इंक्रीमेंट की, कंडीशन चेक की, 11 इज लेस देन 15, फिर से बॉडी में गया और उसने क्या प्रिंट किया, अगेन आई की वैल्यू 12 होगी, 12 पे भी वैल्यू प्रिंट होगी, 13 पे भी वैल्यू प्रिंट होगी, और जैसे अभी आई की वैल्यू क्या है, 13, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 इज लेस देन 15, यस, इस केस में भी वैल्यू प्रिंट होगी। और जैसे ही यहाँ पे मैं अगर स्टेप ओवर करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो बॉडी है कंट्रोल बॉडी से बाहर चला जाएगा, कंट्रोल यहाँ आ चुका है। रीज़न ये है कि आई की वैल्यू जो है वो क्या हो चुकी है, 15 हो चुकी है। रीज़न क्या है, आई की वैल्यू क्या है, 15 हो चुकी है। तो 15 के केस में लूप ने ब्रेक होना है और वैल्यू ऑफ आई जो है वो 10 से लेके कहाँ तक प्रिंट होगी, 15 तक, समझ गए बात। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता रहा था, अगर आपने डीबग मोड स्टॉप करना हो, मैं इसको दोबारा चला रहा हूँ, अगर ये अब डीबग मोड दोबारा एक्टिवेट हुआ है, प्रोग्राम स्टार्ट में आ चुके हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि डीबग मोड जो है वो अब डीबग मोड से नॉर्मल फ्लो में कंट्रोल चला जाए तो ये जो बटन होता है कंटिन्यू का, आप इसे प्रेस कर सकते हैं, कंटिन्यू जब आप करेंगे तो नॉर्मल फ्लो में चला जाएगा, सही है, आपके पास आउटपुट आ जाएगी। और डीबग मोड को अगर आपने करना हो कैंसिल, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके इस पे वंस अगेन क्लिक करेंगे तो डीबग मोड जो है वो दोबारा से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर आप डीबग मोड फिर चलाना चाह रहे हैं तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, समझिए बात। अच्छा दूसरी बात मैं ये बता रहा था आपको कि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसको अगर मैं लूप से बाहर ले जाता हूँ, ये चीज़ आई इज इक्वल टू 10,
मैंने क्या किया, इनिशियलाइजेशन पोर्शन जो है वो स्किप कर दिया। इनिशियलाइजेशन पोर्शन को मैं लूप की बॉडी से बाहर ले आऊँ तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ चेंज ये आएगा कि पहले आई वेरिएबल का स्कोप फॉर की बॉडी तक था, अब ये ग्लोबल हो गया, अब ये क्या हो चुके हैं, ग्लोबल तो आप नहीं कह सकते, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अब जो है ये वेरिएबल जो है वो फॉर की या इससे ऑनवर्ड आपका प्रोग्राम जहां पे भी आप चाहें इस इन लाइंस में इसको आई को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। सेम आउटपुट आएगी जो पहले थी हमारे पास, ठीक है, सेम वही आउटपुट आएगी जो हमारे पास पहले से थी। तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये ऑप्शनल पोर्शन होता है, ये वाला जो है ये क्या है, ऑप्शनल पोर्शन होता है, अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो पॉसिबल है किया जा सकता है। इसी तरह ये जो कंडीशनल पोर्शन है, ये जो कंडीशन का पोर्शन है, इसको भी स्किप कर सकता हूँ मैं, कंडीशन पोर्शन स्किप किया जा सकता है, चलें एक चीज और करते हैं, जो लास्ट में बैठे हैं आवाज नहीं आई, मैं ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पोर्शन है इसको अगर यहां से हटा के यहां बॉडी में ले आऊं, अब अगर आप देखें तो ये बॉडी में नहीं जा रहा, मैं बेसिकली यहां पे जैसे इंटर की प्रेस करता हूं तो इसको होना ये चाहिए था कि ये सीआउट के साथ प्रॉपर इंडेंट होना चाहिए था, यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि कंट्रोल को पता है कि जब आप इंटर कर रहे हैं तो ये वाली जो लाइन है ये फॉर लूप का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है फॉर लूप का पार्ट, क्योंकि मैंने फॉर लूप की ब्रैकेट्स नहीं लगाई, फॉर लूप की जब मैं बॉडी लगाऊंगा तब वो उसकी बॉडी में जाएगा। अगर आपने एक स्टेटमेंट लिखनी हो तो आपको बताया था कि आप बेशक बॉडी ना लिखें, ब्रैकेट्स ना लगाएं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लगानी है तो वहाँ पे आपको उसकी ब्रैकेट लगानी पड़ती है, सही है। आप मुझे ये बताएं कि क्या ये एग्जांपल सेम आउटपुट देगी जो पहले आ रही थी, हम देख लेते हैं, एरर नहीं आ रहा, सही है। इसका मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पोर्शन को भी स्किप किया जा सकता है। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पोर्शन जब आप स्किप करेंगे तो फिर आपको बॉडी में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लूप की बॉडी के अंदर वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट खुद से परफॉर्म करना पड़ेगा। इसी तरह जब आप इनिशियलाइजेशन पोर्शन जो है वो स्किप करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बॉडी से पहले कहीं पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ये आई जो है ये कंट्रोल वेरिएबल है, इसका लूप से पहले या डिक्लेरेशन पोर्शन में डिक्लेयर होना जरूरी है, ये लूप को रन करने में हेल्प करेगा, ये कंट्रोल वेरिएबल आप कह सकते हैं इसे, मेरी बात समझ आ रही है। लेकिन अगर मैं ये कंडीशन यहाँ से स्किप कर दूँ, ये कंडीशन जो है मैं यहाँ से स्किप कर दूँ तो बेसिकली अब कंडीशन के लिए मुझे लूप को जो है वो खुद हैंडल करना पड़ेगा, कंडीशन के लिए फिर मुझे वही गो टू की स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, जंप खुद से परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट आप यूँ समझ लें कि जब आप फॉर लूप लगाएंगे तो आप इनिशियलाइजेशन पोर्शन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पोर्शन जो है वो क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो कंडीशनल पोर्शन है आपने उसको नहीं छेड़ना। इसी तरह इनिशियलाइजेशन पोर्शन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पोर्शन या कंडीशन जो पोर्शन है उसमें आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं। बेटी बात समझ आई, अच्छा अब वो जो हमने एग्जांपल की थी टेबल वाली, उसके अलावा कोई एग्जांपल करते हैं। जी क्या एग्जांपल करना चाहेंगे, फैक्टोरियल, जी फैक्टोरियल आप बताएंगे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक नंबर चाहिए, जी सीन,
फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि आप उस नंबर को उस प्रीवियस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, कब तक मल्टीप्लाई करें, जब तक वो वैल्यू इक्वल टू वन ना हो जाए, इक्वल टू वन ना हो जाए। तो मैं कह रहा हूँ इन फैक्ट इज इक्वल टू, आप फैक्ट इज इक्वल टू वन कर सकते हैं या फिर आप फैक्ट इज इक्वल टू नंबर भी कर सकते हैं। दो टेक्निक्स हैं, एक टेक्निक ये है कि मैं फैक्ट को वन कर दूँ और फैक्ट को मल्टीप्लाई करूँ नंबर के साथ। दूसरी टेक्निक ये है, इस टेक्निक में आपको ये करना पड़ेगा कि 5 से 1 तक आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? 5 से 1 तक आना पड़ेगा। दूसरी टेक्निक ये है कि मैं फैक्ट को नंबर असाइन कर दूं, फैक्ट को वो नंबर असाइन कर दूं और उस नंबर को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दूं उससे प्रीवियस वाले नंबर के साथ। तो दोनों लिखी जा सकती हैं। जो प्रीवियसली हमने लिखी थी वो ये थी, फैक्ट इज इक्वल टू 1 एंड देन जी बताएं क्या लिखो यहाँ। कंडीशन क्या है? कोई लोकल इनिशियलाइजेशन मेरे को चाहिए मुझे यहाँ। चलिए कंडीशन क्या है, नम इज ग्रेटर देन 1, जब तक नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तब तक ये हमने काम करना है। और नम की वैल्यू को हमने क्या करना होता है, ऐसे ही है। अब बताएं कि बॉडी में क्या करना है, फॉर की बॉडी में फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय एक क्या था, फर्स्ट है नाम की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 है, 5 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, फैक्ट में जाके सेव हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम फैक्ट की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई होगा नाम की एक वैल्यू कम के साथ। सो मैं यहाँ लूप से निकल के कह सकता हूँ सी आउट क्या, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। इसी तरह से हम कहते हैं फैक्टोरियल ऑफ 10 इज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरी जो आउटपुट आ रही है वो है फैक्टोरियल इज। अगर मैं ये चाहूँ कि आउटपुट कुछ यूँ आए कि फैक्टोरियल ऑफ जो भी वैल्यू मैंने पास की हो वो वैल्यू हो उसका फैक्टोरियल हो, ये कैसे होगा? सी आउट में क्या लिखूँ, फैक्टोरियल ऑफ व्हाट, फैक्टोरियल ऑफ फैक्टोरियल ऑफ, यहाँ क्या लिखो नाम, क्या नाम से नाम को तो हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर चुके हैं, जरा देखें आप और कहते हैं 5 का फैक्टोरियल तो वो तो फैक्टोरियल ऑफ 120 आना चाहिए ना। फैक्टोरियल ऑफ बेसिकली यहाँ पे ये आ रहा है नम एक्चुअली ये हो रहा है, आउटपुट ये आ रही है फैक्टोरियल ऑफ 1 इज फैक्टोरियल ऑफ 1 इज, तो 1 इज तो नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए, क्या वजह है 1 क्यों आ रहे हैं?
तो उस नाम की वैल्यू में मैंने क्या कर चुके हैं, डिक्रीमेंट कर चुके हैं। नाम की वैल्यू में हम क्या कर चुके हैं, डिक्रीमेंट कर चुके हैं। अब इसका सलूशन क्या है, कोई सलूशन बताएगा मुझे? डिक्रीमेंट एंड पे नहीं हो सकता, वो लूप में ही होगा। अगर मैं उस नंबर की, मैं यहाँ पे अगर उस नंबर की एक कॉपी बना लूँ, वेरिएबल का नाम मैंने रखा कॉपी और नाम उसमें सेव कर लिया, जहाँ मैंने इनपुट लिया है, मैंने इनपुट लेते ही उस नंबर की एक कॉपी बना ली है पहले। सो मैं अब यहाँ कह सकता हूँ फैक्टोरियल ऑफ कॉपी इज फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। सही है, इस तरह से आप फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं, फॉर लूप को यूज करते हैं। अच्छा जी, एक एग्जांपल हम और करते हैं। भी यहाँ तक बात सबको समझ आ गई है? अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि क्या हो, सम हो, सम ऑफ इवन, सम ऑफ इवन नंबर। बेसिकली मैं क्या चाह रहा हूँ, सम ऑफ इवन नंबर हो। कैसे होगा, बल्कि ऐसा करते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। क्या करना है, जो फर्स्ट 10 इवन नंबर्स हैं उनका सम करना है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि जो सम होगा वो किसका होगा, 2+4+6+ इन वैल्यूज का सम होगा ना। बताएं कैसे होगा, हमें एक वेरिएबल चाहिए इंट, इंट सम फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो। जीरो का सम तो करना ही नहीं है, तो नॉर्मली हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 आई इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड कैसे पता चलेगा कि इवन नंबर्स का सम करने, इवन नंबर्स फाइंड करने ना पहले। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि आप यहाँ कंडीशन लगाएं। आप में से काफ़ी सारे लोग जो है वो अपने ज़रूरी कामों में मसरूफ हैं। इसका एक तरीका ये है कि मैं यहाँ कंडीशन लगाऊँ, वो कंडीशन क्या होगी, ये आई इवन नंबर कैसे चेक करेंगे, देन सम प्लस इज इक्वल टू आई, सम को मुझे जीरो करना पड़ेगा इनिशियली क्योंकि उसमें ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ आप कहते हैं सी आउट सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स इज जी। एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका बड़ा आसान था जो आप में से काफी सारे लोग बता रहे थे, वो क्या था, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का सम 30 है, थर्टी कैसे आएगा, 10 प्लस 8 18 प्लस 6 24 28 एंड 30। एक तरीका ये है जी, क्या पूछ रहे हैं आप, कहाँ
मैं फर्स्ट 10 इवन नंबर्स की बात कर रहा हूँ, नहीं यानी फर्स्ट 10 नंबर्स की बात कर रहा हूँ कि उसमें से जो इवन नंबर्स होंगे सम ऑफ फर्स्ट 10। हाँ अगर यहाँ पे वैसे कॉन्सेप्चुअली तो वही बात होनी चाहिए जो आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि फर्स्ट 10 इवन नंबर्स तो फिर 20 तक जाना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि फर्स्ट 10 नंबर्स में से इवन फाइंड करना है तो फिर हम 10 तक जाएंगे, तो 20 कर लेते हैं हम यहाँ पे। क्या हो जाएगा यहाँ, अब हमारा सम जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है 110। अच्छा तो सेकंड टेक्निक ये बता रहा था आपको कि बेसिकली आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि अगर आप चाहें इसके बगैर भी कर सकते हैं, एक की कंडीशन ख़त्म कर दें और आई को क्या कर दें आप, आई प्लस इक्वल टू टू, आई प्लस इक्वल टू टू या आई इज इक्वल टू आई प्लस टू, सेम आउटपुट आनी है हमारे पास, सेम आएगी। रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन ये है कि आई को हमने कहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, सो आई को जीरो से स्टार्ट करेंगे तब इंक्रीमेंट टू करेंगे तब जाके हमारे पास आउटपुट जो है वो क्या आएगी 110 आएगी। ठीक है समझ गए बात। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल हम ये करना चाह रहे हैं कि हम एवरेज ऑफ 10 नंबर्स फाइंड करना चाह रहे हैं। अब जब आप 10 नंबर्स की एवरेज फाइंड करेंगे तो आपको 10 नंबर इनपुट लेने पड़ेंगे। अब अगर आपने 10 नंबर इनपुट लेने हैं तो आपको 10 वेरिएबल चाहिए होंगे, ऐसे ही है 10 वेरिएबल्स चाहिए होंगे 10 नंबर्स के लिए। तो पहले जो सिंपल टेक्निक हम लिखते थे उसमें यही होता था कि हम लिखते थे फॉर एग्जांपल इंट फर्स्ट नंबर को मैं कह रहा हूँ n1, इसी तरह 10 नंबर ले लेने n2 n3 n4 एंड सो ऑन, कहाँ तक n10 तक। ठीक है लेकिन अब लूप में अगर आप यही वाला काम करें, अगर आप यही काम फॉर लूप में करें तो फॉर लूप में ये एक वेरिएबल के साथ हो सकता है, फॉर लूप में ये एक इंटीजर वेरिएबल के साथ पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि फॉर पहले एक वेरिएबल में बना रहा हूँ सम के नाम से, ये नॉर्मली सम की वैल्यू को मैं जीरो असाइन करता हूँ, उसकी क्या रीज़न है, इसमें बाकी वैल्यूज ने ऐड होना है तो मैं इसको वन नहीं कर सकता, जीरो ही करूँगा बिकॉज बाकी वैल्यूज इसके साथ क्या होंगी ऐड होंगी। सो फॉर लूप लगाएंगे आप जी, अब आप बताएंगे क्या करना है, 10 नंबर लेने हैं ना, तो इसका मतलब मेरा ये लूप कितने टाइम चलना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ एक वेरिएबल है उसका नाम क्या है टाइम्स, टाइम्स की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 से 10 तक चलाना है हमने, तो मैं 1 से लेकर 10 तक चला रहा हूँ, क्या लिखेंगे आप टाइम्स एंड टाइम्स, जी दो काम करने हैं आपने, क्या एक सम करना है सम किसका करना है, यूजर से नंबर भी लेना है ना, तो आप लिखेंगे सी आउट इंटर इंटर क्या अगर मैं यू लिखता हूँ इंटर टाइम्स इससे क्या होगा, इससे क्या होगा भाई,
इंटर टाइम्स नंबर, टाइम्स की जगह क्या आएगा? इंटर वन। फिर क्या हो जाएगा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, साथ साथ नंबर आना शुरू हो जाएगा। और आप क्या करेंगे यहाँ? सीन एन वन, सम प्लस इज इक्वल टू एन वन। इस लूप में क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा और एवरेज कैसे फाइंड होगी? एवरेज इस कैसे फाइंड करते हैं? एवरेज सम डिवाइडेड बाय 10 नंबर्स की बात हो रही है ना, टाइम्स अगर आप लिखते हैं यहाँ पे तो एक प्रॉब्लम है। यहाँ मैं अगर टाइम्स लिखता हूँ सर, देखिएगा क्या इशू आएगा। टाइम्स टाइम्स एरर आ रहा है, क्यों? बिकॉज टाइम वेरिएबल का स्कोप क्या है? ठीक है, इससे बाहर में टाइम वेरिएबल को यूज नहीं कर सकता। सो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम जी इंटर फर्स्ट नंबर, लेट्स सी, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट नंबर है 5, सेकंड नंबर है 6, 7, 8, 9, इसी तरह 12, 13, 14 एंड 15, 16, जी एवरेज इज 10, सिर्फ वेरीफाई करें 10 ही आता ही है। 5 प्लस 6 11, प्लस 7 18, प्लस 8 26, प्लस 9 35, प्लस 12 47, प्लस 13 60, प्लस 4 14 74 74 प्लस 15 74 प्लस 15 89 प्लस 16 प्लस 16 105 डिवाइड बाय क्या आना चाहिए? 10 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 10 पॉइंट्स वैल्यू आनी चाहिए, 10.5 आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ? अच्छा, एक सिंपल टेक्निक ये है कि मैं अगर यहाँ लिखूँ 10.0, लेट्स सी एक्सपेरिमेंट करते हैं इससे क्या होगा। अब वो मुझे वैल्यूज याद नहीं है, चले कोई और वैल्यू ले लेते हैं। 5.2। तो सबसे सिंपल टेक्निक ये है कि जब आपने डिवीजन करनी हो और जिस नंबर पे आप डिवाइड कर रहे हैं आप उसके साथ पॉइंट लिख लें, कंपाइलर ही समझ जाएगा कि यहाँ इंटीजर डिवीजन नहीं बल्कि क्या करनी है, फ्लोट डिवीजन करनी। दूसरा तरीका क्या है? किसके साथ फ्लोट लिखो? ये चीज कहाँ? ये इधर पहले सम के साथ लिख रहा था ना यार, फ्लोट की स्पेलिंग गलत है।
आप सही है जी। लेट्स सी पहले वैल्यू क्या आएगी 2.5 नहीं वैल्यूज क्या आएंगी आउटपुट में 4। अब ये जरा वेरीफाई करें कि यहाँ इंटीजर डिवीजन कंप्लीट होती भी है या नहीं, 4 ही आ रहा है या फर्स्ट वैल्यू है 1 2 ऐड करें 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 गलत आ रहे हैं 4.5। इसका मतलब ये टेक्निक जो है वो यहाँ पे फेल हो रही है। बेसिकली यहाँ पे जो डिवीजन हो रही है डिवीजन के बाद आप कह रहे हैं उसको फ्लोट में कन्वर्ट करो, इसको वैल्यू वही 4 ही मिल रही है, 4.5 नहीं मिल रही, स्किप हो के वैल्यू मिल रही है, तो फिर फ्लोट में कहाँ लगाओ आप? अच्छा चलें यहाँ देखते हैं जरा, मैं अगर ये कहता हूँ कि फ्लोट सम को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, अब ये सम के साथ फ्लोट है, चलें खैर यहाँ तो नहीं हो सकता, चलें एक्सपेरिमेंट करते हैं इसको भी देखते हैं। ठीक है एक ये तरीका है, अगर मैं इस वैल्यू को इस फ्लोट को 10 के साथ ले जाऊं, आप जरा देखिएगा सही है, इसका मतलब जब भी आप डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो जिस नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हैं या जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं या जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, उन दोनों में से किसी एक के साथ या तो आप फ्लोट लिख लें या फिर आप अगर वैल्यू डायरेक्ट है डिवीजन में, जैसे एक वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है आपको, वेरिएबल में वैल्यू नहीं है तो 0.0 लगा दें उसके साथ। मैं यहाँ पे आप जो है वो सम के साथ तो 0.0 नहीं लिख सकता, हाँ 10 के साथ 0.0 लिख सकता हूँ। तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे क्या लिख लें 0.0 कर दें, तो वो क्या कर देगा उसको इंटीजर की जगह आप सही है, समझ गए बात।